गिरिडीह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर कमल की सरकार बनानी है। लोगों ने एक बार फिर विकास के नाम पर वोट करने का मन बना लिया है। राज्य और देश के विकास के लिए उन्होंने लोगों से कमल के निशान पर वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अलग झारखंड राज्य की मांग को पूरा किया है। कांग्रेस और आरजेडी ने झारखंड गठन का विरोध किया था। अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने झारखंड का गठन किया। वर्षों में मोदी और रघुवर दास की जोड़ी ने विकास के कई काम किए। झारखंड में हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाने का काम किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और जेएमएम पर राज्य को लूटने का आरोप लगाया। गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करना ही बीजेपी सरकार का मकसद है। झारखंड की जनता को याद दिलाने आया हूं कि समग्र झारखंड जब अलग झारखंड राज्य की मांग के साथ आंदोलन कर रहा था, झारखंड के युवा, आदिवासी युवा, पिछड़े समाज के युवा रोड पर थे, पुलिस लाठियां भांज रही थी, टीयर गैस दाग रही थी, गोलियां चला रही थी, उस वक्त झारखंड की रचना का विरोध कौन कर रहा था? हेमंत बाबू, आप भूल गए हो, सत्ता के नशे में आंख पर पट्टी बांधी है। मैं आपको कहने चाहता हूं, यही कांग्रेस और आरजेडी थे जो झारखंड का विरोध करते थे, झारखंड को बनने के लिए रास्ते में रोड़ा उठकाए हुए थे। झारखंड को किसने बनाया? माताओं, भाई बहनों, भाइयों, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की कमल की सरकार बनी, अटल जी ने झारखंड को बनाने का काम किया, झारखंड को बनाने का। मुझे बताओ भाई, ये राहुल गांधी कहते हैं झारखंड वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे राहुल बाबा, आपको देश का इतिहास मालूम नहीं है। कश्मीर बचाने के लिए सबसे ज्यादा शहादत मेरे झारखंड के युवाओं ने दी है। झारखंड के युवा सेना के अंदर, झारखंड के युवा सीआरपीएफ के अंदर, झारखंड के युवा एक कश्मीर के लिए बर्फीली पहाड़ियों पर अपना लहू बहाए। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं।